तो ये सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद ये चार चार गोली लेनी है आपको सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद, ठीक है। और ये मिक्स कर लेना अच्छे से इसको एक बार, इसके बाद सुबह और शाम को लेना खाने खाने के बाद पानी के साथ, ये भी पानी के साथ। स्क्रीन कार्ड बोल सकते हो उसका, ठीक है। फिर अलग से कीबोर्ड भी दिया है वो भाई, ठीक है, अलग से दिया है। लैपटॉप का अलग आता है वैसे तो, आपको पता ही होगा, अलग से कोई नहीं देता, वो मेरे को दिया है। इसके अलावा माउस पैड मिला है जिस पे माउस रख के चलाते हैं, वो क्यों दिया है बताऊं? एक बार चला के भी दिखा देता हूँ स्क्रीन का क्या सीन है। यहाँ पे इसका बटन है, यही अनबॉक्सिंग फीचर्स वगैरह। अगर कमेंट करोगे तो बता दूंगा, नहीं तो जय श्री राम, ठीक है। तो ये चीज़ें मिली हैं इसके साथ, ठीक है। रेट बताऊँ? रेट भाई नहीं बता रहा, रेट तो मैं नहीं बता रहा, ठीक है। रेट जानना है अगर आप कमेंट करोगे, आपको इसकी वीडियो चाहिए। और ये मैं कहाँ से लाया हूँ वो आपको अभी बता देता हूँ मैं, ठीक है। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अब थोड़ा बहुत मजा आया है वीडियो में रोटी करने में, क्योंकि जूनियर आ जाते हैं भाई, जो 23, 22, 21 वो आ जाते हैं, तो सुबह सुबह का काम तो क्या वो देख जाते हैं। तो मैं उनको गाइड करता रहता हूँ, उनको समझाते रहता हूँ थोड़ा बहुत, तो उनको बता भी देता हूँ भाई क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है। वो पूछते हैं कि हाँ भाई ये कैसे लेते हैं, ये बीपी कैसे लेते हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। वो नॉर्मल से, वो तो इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें तक क्या लगाओ और बटन दबा दो बीपी आ जाएगी, लेकिन बीपी इंस्ट्रूमेंट अलग आता है, इसको स्पाइग्नोमैग्नोमीटर बोलते हैं, ठीक है। उससे वो उसको स्टेथोस्कोप से और जो वो रहता है ना बीपी इंस्ट्रूमेंट, उससे लेते हैं। उसमें रीडिंग दिखाऊंगा, अगर दिखाना हुआ तो दिखाऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ा बहुत जाके अच्छा सा लग रहा है, लेकिन शुरू शुरू में तो भाई शायद नया था ना आईपीडी में, तो दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि एक बार में इतना काम का लोड, वो भी पूरे दिन, इसलिए था। अब थोड़ी बहुत आदत हो गई, अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मेरे आईपीडी में ड्यूटी ना लगे, मेरे को करनी है भाई ओटी में, लेब में, सर्जरी में, है ना, मतलब बहुत है, ओपीडी में है ना, बहुत जगह है, पंचकर्मा के अंदर, ईएनटी के अंदर, वहाँ करने, वहाँ आया ज़्यादा सीखने का यार। ओटी में जाऊँगा तो ऑपरेशन वगैरह के बारे में देखूँगा, सीखूँगा। ओपीडी में जाऊँगा तो वहाँ बीमारी के बारे में पता चलेगा, जो नए नए पेशेंट आएंगे उनकी बीमारी के बारे में पता चलेगा। लेब में टेस्ट वगैरह करना सीखूँगा, ईएनटी में भाई आँखों का, दांत वात का, गले वले का, सबका चेकूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चेंज हो जाए आईपीडी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है, ड्यूटी कैसे जाती है, क्या कुछ नया होता है, क्या कुछ पुराना होता है, कुछ स्पेशल होगा तो जरूर वो भी बताऊंगा, बाकी डेली का रूटीन तो अपना है ही। तो सीधा आप भी अपन चलते हैं कॉलेज। तो फाइनली भाई मैं पहले हॉस्पिटल नहीं गया, कॉलेज आया हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कुछ काम था। और इसी के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा तुमसे, अगर तुम कॉलेज में हो और घर से दूर हो तो भाई कॉलेज में जो हॉस्टल होता है वो ज़रूर लेना, क्योंकि हॉस्टल की लाइफ क्या ही बताऊँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो लाइफ तो भाई अलग ही होती है, अलग ही लेवल के मज़े होते हैं, अलग ही लेवल के भाई दोस्त होते हैं, दिन रात अलग ही ज़िंदगी चलती है, लेकिन शानदार चलती है, ठीक है। तो अगर तुम घर से दूर हो तो हॉस्टल लाइफ तुमने नहीं जी तो भाई तुमने आधा कॉलेज लाइफ बर्बाद कर दी, ठीक है। तो अगर दूर हो तो हॉस्टल लाइफ अच्छे से जियो, इन्जॉय करो, मज़े करो, बाकी कॉलेज तो है ही, क्योंकि सही बताऊँ मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया और हॉस्टल ना लेके, लेकिन वो इसने लिया क्योंकि मेरा घर पास में ही है और मेरे को हॉस्टल मिलता भी नहीं, इसलिए मैंने हॉस्टल लिया भी नहीं। लेकिन लेता ना भाई, मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, मेरे को लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर रात के समय, शाम के समय कॉलेज में भाई अलग ही फंक्शन भी होते जिनको मैं अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को घर जाना होता था। अगर यहाँ हॉस्टल में रहता तो भाई क्या ही बताऊँ। तो इस बात को थोड़ा बहुत दुख रह गया मेरे को कॉलेज लाइफ का, कि मैंने हॉस्टल लाइफ नहीं जी। तो आप ये गलती ना करें, जरूर हॉस्टल लें। तो आगे भाई आईपीडी अपन आज की मजदूरी शुरू करने, तो सीधा चलते हैं पहले अटेंडेंस लगाने, बाकी काम बाद में, ठीक है। अभी चल रही है भाई बेड मेकिंग, जूनियर्स है जो बेड मेकिंग कर रहे हैं, जैसे सुबह सुबह हर वार्ड की बेड मेकिंग करनी पड़ती है, जो भी नर्सिंग स्टाफ होता है सब। तो ये सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद
ये चार चार गोले लेनी है आपको सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद, ठीक है। और ये मिक्स कर लेना अच्छे से इसको एक बार, इसके बाद सुबह और शाम को लेना खाने खाने के बाद पानी के साथ, ये भी पानी के साथ, ठीक है। इसमें क्या तीन चार दवाइयाँ मिक्स है, तो इसको अच्छे से हिला लेना, ठीक है, फिर लेना। चलो जैसे ही वैसे ही ला लेना पानी के साथ खाने खाने के बाद, ठीक है, सुबह और शाम खाने खाने के बाद, ठीक है। आधी सुबह आधी शाम दोनों टाइम पूरी लेना। हाँ हाँ, आज की डोज है दोनों, ठीक है। अब चलते हैं भाई लोगों को खाना वाना बांटने पेशेंट को वार्ड के अंदर, जो भी वार्ड है आज ड्यूटी खाने में लगी है। ले लो अंकल, खाना वाना बांट दिया पेशेंटों को। अब चल रहे हैं अपन, दो पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा है, तुमका फीडबैक भरवाने, सर्जरी के हैं। तो भाई आज का आधा दिन ख़त्म, इसी के साथ लंच हो चुका है, तो खाना वाना खा के आते हैं क्योंकि हालत ख़राब हो गई आज ज़्यादा ही, डिस्चार्ज में दवाइयाँ देने में और खाना देने में, तो अब हम जाते हैं खाना खाने। भाई आज हमारी प्रियंका इडली लेके आई है, फ्राइड इडली प्लस सॉस और दही। ये भाई ये पाव भाजी भी शानदार बनाती है, तो हम खाते हैं और वापस चलते हैं मजदूरी पर। हाँ तो भाई लोगों, तेरे को जानती है क्यों, तेरे को जानती है फिर, तो भाई टैलेंटेड है, हम दिमाग ही इसमें छोटे छोटे हैं, तुम्हारे जैसे बूढ़े थोड़ी है। हाँ भाई, एक तो मानता नहीं कि अपनी इंटर्न चल रही है, क्यों बच्चे रह गए ना अपन इसलिए। हाँ तो भाई लोगों, लंच वंच ख़त्म हो गया, अब चलते हैं अलग अलग ड्यूटी करने। तुम चलो इधर, मैं जा रहा हूँ इधर, ठीक है। एक रास्ता तुम्हें ये भी दिखा दूँ, आईपीडी का एक रास्ता ये जाता है ऊपर की, मेल आईपीडी है ना उसका एक रास्ता ये जाता है, और ये है पंचकर्मा गार्डन। पंचकर्मा एक सब्जेक्ट होता है हमारे आयुर्वेद में, तो उसी के नाम से गार्डन। इसमें सारी औषधियाँ मिलती है, जो भी जिनसे दवाइयाँ मिलती है ना वो सारी इसमें उगी हुई है, ठीक है। तो इधर तो फीमेल वार्ड जाते, लेकिन ये रास्ता बंद कर रखा, और इधर ऊपर जाता है मेल वार्ड, मतलब दो फ्लोर का ही हॉस्पिटल, तीसरा फ्लोर ऊपर बन रहा है। दो फ्लोर तो क्या बोलेंगे, ग्राउंड फ्लोर हो गया, एक फर्स्ट फ्लोर हो गया, और सेकंड फ्लोर देखो बन रहा, ठीक है। तो ये आ गया अपन, अब टाइम हो गया है भाई पेशेंटों को दवाई देने का, 3:30। शाम के समय जो भी दवाइयाँ लिखी होती है पूरे दिन में डॉक्टरों ने, वो अब जाके देनी पड़ती है शाम को, तो वही चलते हैं और देखे आते हैं। वो देखो आज सुबह सुबह ही लफड़ा पड़ गया ना भाई, सुबह रस के ही ना जा, रोटी ठूक खा के जब जाऊंगा, रोटी खा, हाँ मिलने वाला 6:30-7 बजे तक, जब जाऊँगा जब चले जाना हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के तरीके से ले लो यार, क्या आप मतलब को डांट देते, पूरे दिन पंचकर्म में भी जी रहा हूँ, दो तीन घंटा गर्मी में भी रहना पड़ेगा। नहीं वो तो रहना तो पड़ता है भाई, सही होना तो रहना तो पड़ेगा। तो फाइनली भाई घर आ गया, और घर आते आते मेरे को हो गया, कैसे बताऊं यार टाइम, फोन अभी वो स्विच ऑफ पड़ा है, टाइम तो मैं जैसे ही बता दूं, बोल के विश्वास कर लेना, बाकी खिड़की में देख सकते हो अंधेरा हो गया मेरे को आते आते, भाई 9 बज गए। वो किस लिए मैं बताता हूँ कि मैं आज नया लैपटॉप लेके आया हूँ, तो वो दिखा देता हूँ कौन सा लाया हूँ और इसके साथ क्या क्या मिला है, ठीक है। आज इसकी इनबॉक्स, भगवान क्या है, सुबह से लेकर शाम तक आई बड़ी ड्यूटी करने के बाद थक जाते हैं, तो भाई फिर बोलना भी नहीं जाता, इसलिए मैं वीडियो के एंडिंग ना कॉलेज में करके आता हूँ, मेरे को पता है घर जाके मेरी हिम्मत नहीं होगी, तो आज इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ आपको, इसमें क्या क्या मिला और लैपटॉप कौन सा है। तो देखो भाई लोगों, मैं लैपटॉप लेके आया था, मेरे को काम था, मेरे से ज़्यादा काम छोटे भाई का था, क्योंकि उसका क्लिनिक है, तो उसको क्या है रिपोर्टें रखनी पड़ती है, तो एक होना चाहिए ना चीज़, तो उसके लिए भाई लैपटॉप भी लेना था, वो 2-4 दिनों से पीछे पड़ रहा था मेरे, ठीक है। बाकी इसके साथ हाँ एक चीज़ तो भूल ही गया भाई, ड्यूटी के समय भाई इंटरन में इतना खो गया कि भाई नवरात्रे चल रहे हैं, मेरे को तो आज पता चला कि नवरात्रे चल रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप के साथ एक गिफ्ट फ्री दिया है भाई दुकान वाला, और कौन दिया है उसका भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि कौन दिया है और कहाँ से लेके आऊँ लैपटॉप, ठीक है। तो एक बार दिखा देता हूँ इसके अंदर मेरे को क्या क्या मिला, एक तो ये साफ़ करने का, ठीक है, इसको और है ना, ये कीबोर्ड को, कीबोर्ड क्या बोलूँ इसको यार मैं, वो होता ना, हाँ ये समझ जाओ, कीबोर्ड पे रखने की पन्नी, मतलब
स्क्रीन कार्ड बोल सकते हो उसका, ठीक है। फिर अलग से कीबोर्ड भी दिया है वो भाई, ठीक है, अलग से दिया है। लैपटॉप का अलग आता है वैसे तो, आपको पता ही होगा, अलग से कोई नहीं देता, वो मेरे को दिया है। इसके अलावा माउस पैड मिला है जिस पे माउस रख के चलाते हैं। वो क्यों चला, वो क्यों दिया है बताऊँ? वो क्योंकि अलग से मेरे को माउस भी दिया है ब्लूटूथ वाला, ठीक है। और इसके अलावा चार्जर भी दिया है, ठीक है, इसके अलावा चार्जर भी दिया है। और कुछ रह गया क्या? और तो कुछ नहीं है। अब मेन चीज कुलिया, मेन चीज भाई लैपटॉप। तो थोड़ा तो साइड में हो जा, ठीक है, लैपटॉप दिखा दूँ आपको। लैपटॉप है डेल का, ऐसी होती है भाई अनबॉक्सिंग मेरी, ठीक है। अरे अरे ठीक है, ये है डेल का लैपटॉप, ठीक है, नया का नया है। खोल के दिखाऊं, देख सकते हो भाई साहब, प्रोसेसर ये वाला है, जो जानते हैं टेक के बारे में तो वो समझ जाए, ठीक है। एक बार चला के भी दिखा देता हूँ, स्क्रीन विस्क्रीन का क्या सीन है। यहाँ पे इसका बटन है, ये चालू हो गया, बटन चालू हो गए। ये डेल, आगे का भाई यही अनबॉक्सिंग, फीचर्स वगैरह अगर कमेंट करोगे तो बता दूंगा, नहीं तो जय श्री राम, ठीक है। तो कर देते इसको बंद, हो जाओ भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें मिली हैं इसके साथ, ठीक है। रेट बताऊँ? रेट भाई नहीं बता रहा, रेट तो मैं नहीं बता रहा, ठीक है। रेट जानना है अगर आप कमेंट करोगे, आपको इसकी वीडियो चाहिए। और ये मैं कहाँ से लाया हूँ वो आपको अभी बता देता हूँ मैं, ठीक है।